शायद भाई फिल्म में आप दबा के सिगरेट शराब का सेवन कर रहे हैं, सेहत के लिए हानिकारक है। मुझे याद है कुछ कुछ साल पहले जिम में मिले थे, मैं भी जाता था एक जमाना तो शायद भाई लगे हुए दाढ़ी बढ़ाई हुई, तब उड़ता पंजाब की शायद शूटिंग करने वाला। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी दाढ़ी बढ़ाई हुई है? बोलते मैंने किसी नशेड़ी का रोल करने वाला हूँ। तो मैं कह जिम क्यों आए हो, जाकर नशा वशा करो करेक्टर में, पर जो भी करेक्टर करते हैं शायद भाई आप घुस जाते हो, उसमें क्या बात है। एक सच्चे एक्टर की निशानी है ये। अच्छा आप सभी ने ट्रेलर में देखा होगा कि शायद भाई ना एक इनकी काम वाली बाई जो है उसके हाथ से गिलास टूट जाता है और ये उसके पीछे भागते हैं। भाई आपको किसी ने बताया नहीं कि आजकल बीवी आसानी से मिल जाती, बाई बड़ी बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बीवी भी उन्हीं को मिलती जिनके घर में बाई हो। नहीं पूछती हैं बीवियां भाई आप काम वाली चाहिए? नहीं सर, मेरी वाइफ जो थी वो अपने घर से अपनी बाइयों की एक टोली लेकर आई थी। अच्छा। और बच्चों के लिए भी जो मेड्स होती हैं वो लेकर आई थी। चलो वेरी गुड, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है जब आपको काम करने वाला कोई ना मिले, स्पेशली जब आप इतने बिजी हो। मैं और मेरी जिंदगी में हिम्मत ना हो कि मैं बाइक के पीछे ऐसे भागूं, ऐसा उल्टा हो सकता है। अच्छा, कि अगर मैंने कहीं कुछ गिरा दिया हो और कुछ ऐसा हो गया और बाई आया ऐसा देखते हुए, बोलो नहीं सॉरी मैं अभी साथ देता हूँ, सॉरी सॉरी, ऐसा हो सकता है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, वाह क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। ये प्लीज एवर पहले आई थिंक हमारी मुलाकात हुई थी 3 साल पहले जब आप हमारे पहले सीजन में आई थी जी। हमेशा आप प्यारी लगती हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप बाहर छुप छुप के देख रहा था, आपका फोटो सेशन हो रहा था कितने स्वीटली बोला ना कभी बाहर छुप छुप के देख रहा था एक बार ना शत्रु सर हमारे यहाँ पे शो में आए थे तो वो बोलते थे कि मेरा जो नाम है शत्रुघ्न, वो हमेशा कुछ लोग गलती बोल देते हैं, उनकी खुद की अपनी सास वो बोलती है वो शत्रुघ्न बोल देती है, बोलते कई लोग शत्रुधन बोल देते हैं, कई लोगों ने तो शत्रुमुर्ग भी बोल दिया बोलते ऐसे। कई बार ऐसा होता है जैसे मेरी माँ मुझे कपल बोल देती है, कपल क्या रहा आपने कपल? अपना हाँ कपल बोल देती है, अब तो हो भी गए हम। मुझे भी कभी कभी लोग कायरा कहते हैं जो एक्चुअली गलत है। ओके कियारा लाइक की आरा आरा हाँ कायरा कीरा कीड़ा हाँ बहुत अजीब अजीब नाम आते हैं ऐसे पहले की नहीं पता मुझे कीड़ा बताने वाले। अच्छा ना कभी आपने बना के खिलाया कुछ प्रमीत जी को? नहीं बच्चों को बना के खिलाया लेकिन आपको उनके हाथ का खाना पसंद है? परमीत जी ने आपको क्या क्या बना के खिलाया आप ये बताओ कुछ नहीं बनाया। यू रिमेम्बर दैट डायलॉग उसमें बदमाश कंपनी में कि अनुष्का तुमको बोलती है कि नो वेट टॉवल्स ऑन द बेड और मैं किचन में एंटर नहीं करूंगी, एंटर नहीं करूंगी, ये शादी की शर्त थी राइट? यस यस, ये एक्चुअली मेरी 2 शर्तें थी परमीत को जब हमारी शादी होने वाली थी। मैंने कहा मैं कभी किचन में एंटर नहीं करूंगी और ये जो गीले तौलिए होते हैं ना ये बेड पर तुम कभी नहीं रखोगे। उस वक्त तो अगर मैं बोलती चांद और तारे भी तोड़कर ले आओ तो वो भी हाँ कर देता। उसने हाँ तो किया लेकिन मुझे जब बच्चे हुए तो बोला यू मस्ट गो इनटू द किचन और तुमको कुक करना चाहिए, ये कहा और रोज गीले तौलिया आज तक बेड पर मिलते हैं मुझे। तो जब तौलिया बेड पर होता तो परमीत कहाँ होता था? बेड के नीचे। आपकी कोई शर्तें हैं? कल को आपको कोई पसंद आता है उससे शादी करती हैं आप तो आपकी कोई शर्तें हैं पहले बता दो आप। मैंने एक्चुअली इतना सोचा नहीं उसके बारे में बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। हाँ मैं सोच रही हूं हमारे पास और कुछ काम ये लड़कियां ऐसे बोलती हैं हमने कभी सोचा नहीं फिर एकदम से न्यूज़ आती है बेसिकली टॉयलेट सीट ऊपर टॉयलेट सीट ऊपर टॉयलेट सीट यार दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऊपर करता हो वो ऐसे करके रखे मतलब वुमेन को बेसिकली गीलेपन से प्रॉब्लम है टॉयलेट सीट गीली हो बिस्तर गीला मुझे खुद भी दे लाइक इट ऑल ड्राई मुझे बाथरूम मेरे को बिल्कुल भी गीला पसंद नहीं है मैं तो नहाता भी सूखा सूखा ही हूं तो बाथरूम ना गीला करता हो ऐसा बंदा चाहिए आपको
और फिर नॉर्मल चीजें, हैव अ बाथ, नॉट बैड ओडर, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरीबॉडी, या द नॉर्मल थिंग्स. या चार चीजें. और दिन में आप दो बार उसको वॉक पे भी भेजेंगी लगा के, ताकि घर को गंदा ना करे, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, मुझे डॉगी नहीं चाहिए, पति चाहिए. जस्ट चेकिंग. डेफिनेटली नॉट. अच्छा, रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे, और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं, तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई. बोलते ऐसे गिर के किस करने मजा आता है कि किस करते करते गिरने मजा आता है? ये बस आप बताओ, आपको किस करते हुए कैसे मजा आता है? व्हाट, व्हिच वन डू यू प्रेफर? आई लव. कहीं पे भी हो. चश्मा उतारते नहीं कभी. आप इधर शो देखने हैं कि वेल्डिंग करने आए? मैं बड़ी बड़ी हीरोइनें लोग को देखी है, मैं इधर बहुत आते ऐसा, लेकिन मेरे को सच्ची में आप मेरे को एकदम जेन्युइन दिल हार्ट वाली खूबसूरत टैलेंटेड सब लगा मेरे को. क्योंकि क्या हमारा फिल्म इंडस्ट्री आप लोग तो जानते हैं, इधर लोग चुगली करते हैं, उंगली करते हैं, लेकिन इन्होंने फुगली किए ना. फुगली नहीं, फगली. अच्छा देखा, मैं फुगली एडजस्ट किया तो इसने उंगली किया ना, ऐसे ही रहता है. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे उंगली करते हैं, अपना काम करते रहने का, मैं सच्ची बोलती हूँ. और आपका वो भी पिक्चर आया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो, बत्ती गुल मीटर चालू. लेकिन नाला सुपारा में अलग है क्या? इधर जब बत्ती गुल होती है तो मीटर भी बंद हो जाता है, लोग चालू हो जाते हैं, ऐसा रहता है, अलग सिस्टम है. एक एक लाइन आपके लिए, आप सबके लिए. अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं. वाह वाह वाह. अबे ससा राम के शतरमुर्ग, पटना के पेंगुइन, दरभंगा के धरियाई घोड़े, ऊपर वाले ने तशरीफ दिया है, जरा टिका के रखिए ना यार, क्यों कूदते रहते हैं? एनीवेज एक बात पूछनी, ऊपर वाले ने तुम्हें तीन तशरीफ क्यों दिया? मजा आ गया. मजा आ गया. नहीं कफ हो गया. चले हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चन साहब तो कमेंट बताने वाले थे ना. ये इनका यही कमेंट है, इसके आगे नहीं बढ़ते. देखिए शीशे का ग्लास तो हमने आपको दिया है, लेकिन जरा संभाल के यूज कीजिएगा, क्योंकि शीशा हो या दिल हो आंखें टूट जाता है. और छोटे से बच्चे को गोद में लो तो वो मूंछ जाता है. I'm sorry, hello, पौजी, क्या है कि हमारे 11 बच्चे हैं तो ये बातें मुंह से फ्लो फ्लो में निकल जाती हैं, जैसे हमारे बच्चों के भी फ्लो फ्लो में निकल जाता है लाइफ. I know the feeling. अगला सवाल जो है कहाँ गया अगला सवाल? ये तो खबर था. अगला सवाल बोला तो भांडुप के भोपले. अरे रुकिए. और पाल घर के पोपले. Very funny यार. ये जो तूने बोला है पाल घर के पोपले, मैं तो सिर्फ दादर के दंतोड़े सुना था. ये मजा आ गया. इस बात पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा. हाँ, ताकी ओ ताकी ओ ताकी ताकी ताकी, मजा आ गया. आप साइलेंट हो जाइए वरना वो वायलेंट हो जाएंगे. तुम्हारा कहने का मतलब है ये गुस्सा हो जाएंगे, मतलब गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, हिंसात्मक हो जाएंगे, प्रतिघातक हो जाएंगे. आप प्लीज चुप हो जाइए यार, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सत्कार करते हैं, आदर करते हैं. हमारा आदर नहीं, तुम जॉगिंग करो अंधेरी से दादर, ताकि तुमको सोते हुए कम नहीं पड़ेगी चादर. समझ में आया? 11 बच्चों के फादर. हाँ मोटे हैं तो क्या हुआ? क्या हुआ मोटे हैं तो? ऐसा क्या 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 नहीं, मोटे हैं तो क्या हुआ? आप इधर लड़कियों से पूछे सबसे ज्यादा क्यूट हम ही लगते हैं उनको, नहीं बताइए लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्यूट लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्यूट लगते हैं कि नहीं लगते हैं कि नहीं? क्यूट है ना? सबकी सब नल्ली लड़की. इस बात पे मैं भी कुछ कहना चाहूंगा. बिल्कुल. टाकी ओ टाकी ओ टाकी 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 रे. तू है पानी की टाकी रे. टाकी ओ टाकी ओ टाकी 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 रे. हम आपको बता दें, ये शाहिद जी हैं, ये कियारा जी हैं. पता है चंचोली के चुकंदर. हाँ तो उन्हें खेलने दीजिए ना. खेला यार, बीच में से जाने क्या चल रहा है यार? जो भी चल रहा है, लेकिन मेरे और अर्चना के बीच में कुछ नहीं चल रहा. तुम खाम खाम घबरा रही थी,
परेशान हो रही थी, भयभीत हो रही थी, परमीत हो रही थी, हुड़हुड़ हो रही थी, हुड़हुड़ दबंग। शत्रु यार, ये क्या 40 साल से जाम आएगा, चेनू कह देना, चेनू आएगा तो ये कह देना, बस करो यार। खबरदार, एक तो आएगी तो कह देना कि तुषार आया था।